ने उन दुकानदारों के खिलाफ भी सख्ती दिखाना शुरू कर दी है जो तय गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। इंदौर नगर पालिका निगम ने अपनी सख्ती का दायरा बढ़ा दिया है। नगर निगम ने 56 दुकान पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। वहीं नगर निगम ने उन दुकानों को भी सील कर दिया है जो ऑनलाइन डिलीवरी की वजह मौके पर ही उपभोक्ताओं को खान पान की वस्तुएं मुहैया करवा रहे थे। दरअसल नगर निगम को लगातार शिकायत मिल रही थी कि 56 दुकान पर ऑनलाइन डिलीवरी की वजह आने वाले लोगों को न सिर्फ दुकानों से ही सामान बेचा जा रहा है बल्कि उन्हें दुकान के सामने खाने पीने की इजाजत भी दी जा रही है। आज जोन 9 के अंदर हमारे द्वारा 23 तो जो बिगर मास्क पहन के घूम रहे थे उन पे चालान कार्रवाई की है। एक दुकान पे फाइन भी करा है जो बिगर अनुमति के खोल रहा था और एक सोशल डिस्टेंसिंग की कार्रवाई की। साथ ही में हमारे द्वारा 56 दुकान पर भी कुछ दुकानें जिनको होम डिलीवरी की परमिशन दी थी कलेक्टर कार्यालय से, वो लोग यहाँ पे ही लोगों कॉफ़ी है या खाने के आइटम्स पैक करके दे रहे थे जो इनको अब अनुमति नहीं थी, तो उसके कारण हमारे द्वारा कुछ दुकानें सील की जा रही हैं।